पिछले पार्ट में हमने सोना की दिनचर्या के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वो क्या करती थी, हॉस्टल में जाती थी, वहाँ पर सभी उसे तिलक लगाते थे, बिस्किट खाने को देते थे, फिर वह मेस जाती थी, वहाँ पर घूमती थी, और उसके बाद कहाँ आ जाती थी, जो कंपाउंड है वहाँ पर आकर, मैदान में क्या है, वहाँ पर कंपाउंड था जहाँ पर वह घास को चरती थी, मैदान में काफ़ी हरे घास थे, उसे चरती थी बच्चों के साथ। जैसे ही बेल पड़ता था वो बेल बहुत अच्छे से समझ जाती थी, घंटों भर क्या करती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, बच्चे भी सोना सोना कहकर पुकारते थे, और वह उनके ऊपर से चौकड़ी भरती थी। उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था, बच्चे उसे बहुत प्रिय थे, यहाँ तक लेखिका भी जब भोजन करने बैठती थी, पता नहीं उसे समय कैसे पता चल जाता था, वह लेखिका के साथ एकदम से सिटक जाती थी, और तब उसे कुछ चावल रोटी भी उसे प्राप्य होता था, पर उसे क्या है, कच्ची सब्जी ज़्यादा पसंद है। आगे हम पढ़ेंगे, देखो इसके अलावा, देखो शाम को भी, मतलब क्या, लेखिका जब बैठी रहती थी ना, तो एकदम से उसके शरीर के साथ सट जाती थी, साड़ी का छोर जो है चबा डालती थी, कभी कभी सिर के जो चोटी है वह भी क्या है, चबाती थी। तो लेखिका जब डांटती थी तो वह मतलब बड़े बड़े आँखों करके लेखिका को देखती थी, उसे समझ में नहीं आता था कि डांट क्या है, और तब लेखिका को हंसी आ जाती थी। उसके आगे हम पढ़ेंगे, अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। बच्चे तो लेखिका से डरती थी, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल थी ना, तो सब बच्चों से, बच्चे जो हैं डरते थे, पर सोना को क्या लेना देना, सोना को तो यह नहीं मालूम कि वह प्रिंसिपल है या क्या है, उसे मालूम है वो मेरी मालकिन है। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, वो जानती थी कि लेखिका जो है उसे बहुत प्यार करती है, वह सिर्फ प्रेम को समझती थी, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही, मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता जो है, देखो कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, कुत्ता यह जानता है कि कौन स्वामी है कौन सेवक है, और स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है, कुत्ता को क्या है, थोड़ा सहलाओगे तो आ जाता है, डांटने से समझ जाता है कि डांट पड़ी है, और क्रोध करते ही सभी और दयनीय बनकर दुबक जाता है। परंतु हिरन यह अंतर नहीं जानता, कुत्ता जैसे जानता है कि गुस्सा क्या है, डांट पड़ रहा है, वह दुबक जाता है, पर हिरन जो है वह यह सब नहीं समझता कि डांट क्या होता है, उसके लिए सब कुछ बराबर हो जाता है। परंतु हिरन जो है कुत्ते की तरह यह अंतर नहीं समझता कि मालिक गुस्से में है या दूसरी अवस्था में है, प्रेम की अवस्था में, परंतु हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। यह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली, अब लेखिका ने देखो सिर्फ सोना को ही नहीं पाला था, उसके यहाँ देखो बिल्ली है, कुत्ते हैं, तो ये सब जीव जंतुएं भी हैं। तो लेखिका की बिल्ली का नाम है गोधूली, गोधूली, कुत्ते का नाम था हेमंत वसंत, कुतिया का नाम था फ्लोरा। सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर कुछ रोष्ट हुए, शुरू में जब न्यू नया अतिथि आता है ना तो सबको गुस्सा आता है, तो यहाँ पे मतलब उन्हें ऐसा लगता है उनका प्रेम घट जाएगा, तो यहाँ पर गोधूली और कुत्ते जो हेमंत वसंत हैं उन्हें भी बहुत क्रोध आया था,
पर धीरे धीरे सोना के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया, दोस्ती कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती, अब फिर क्या है, वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कुत्ते बिल्ली क्या करते थे, उसके ऊपर से उछलते कूदते। बहुत जल्दी क्या है, उनसे दोस्ती हो जाती है। कोई उसके कान खींचता, लेटी रहती है तो कुत्ते या बिल्ली क्या करते थे, सोना के कान खींचता। कोई पैर, जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती, फिर वह भागती और फिर गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। बाकी जो जीव हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली भी उसके पीछे पीछे भागते और दौड़ते हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर, अब देखो इस प्रकार साल बीत गया, सोना जो है अब हरिन शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। अब वह क्या है, पहले तो शावक थी, अब उसमें चेंजेस आने लगा, वह अब क्या है, हरिन शावक से हरिणी में परिवर्तित, मतलब चेंजेस आने लगा। उसके शरीर के गठन में भी बदलाव आने लगा। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगी। अब जो है, जो एकदम से सुनहरे रंग का होने लगी। टांगे अधिक सुडौल हो गई, तो टांगे जो हैं वह और सुडौल हो गई और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भरा वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि से मिलती थी। आँखों के चारों ओर खिंची कच्चल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजले विद्युत का स्फुरन। तो अब जब वह थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब साल बीत जाता है, अब वह हरिणी में क्या है, परिवर्तित हो गई, वह बहुत खूबसूरत हो गई। इस बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी में के एकांत कोने में चार बच्चों को जन्म दिया। अब क्या है, फ्लोरा ने चार बच्चों को जन्म दिया इतने में, और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। अब और दूसरे लोग जो हेमंत वसंत है उनके साथ नहीं खेलती है, अब वह अपने बच्चों को लेकर ही क्या है, बहुत ही व्यस्त रहती है। एक दो दिन सोना अपने सखी को खोजती रही, फिर उसके इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। दो तीन दिन वह ढूंढती रही कि क्या है, फ्लोरा क्यों नहीं आ रही। उसे ढूंढते ढूंढते वह देखती है कि फ्लोरा छोटे छोटे चार बच्चों से घिरकर बैठी है, और उन्हें देखकर सोना भी चकित हो जाती है। बहुत गंभीर भाव से उन बच्चों को वह देखती है। तो यहाँ से आ सकता है फ्लोरा ने कितने बच्चों को जन्म दिया था, फ्लोरा ने चार बच्चों को जन्म दिया था। बाकी मैं आपको अगले पाठ में पढ़ाऊँगी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।